आज के ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज, तो देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में अब और गिरेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो अभी सर्दी से नहीं मिलेगी राहत, इन राज्यों में शीतलहर का अलर्ट हुआ है जारी। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है, वही तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में तापमान 5 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। वही पूर्वोत्तर में कोहरे का सितम जारी है। वही मौसम विभाग के IMD के मुताबिक पूर्वोत्तर के प्रदेशों में अगले 5 दिनों तक कोहरा और कपकपा देने वाली ठंड पड़ने के आसार है। वही स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, MP, बिहार के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। वही उत्तर भारत में कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान में मामूली सी गिरावट रही है। वही पंजाब और राजस्थान में शीतलहर की स्थिति देखी गई है। वही मौसम विभाग ने आज उत्तर भारत के प्रदेशों के लिए अलर्ट जो है वो जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में अगले 5 दिनों तक शीतलहर यानी कोल्ड वेव की स्थिति की बात यहाँ पर गई है, यानी कोल्ड डे की स्थिति यहाँ पर रहेगी। वही इन राज्यों में यहाँ पर कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी लो रहने की संभावना जो है वो जताई गई है। वही दिल्ली में यहाँ पर कल सुबह यहाँ पर कुछ इलाकों में ठिठुरन जो है महसूस की गई। न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वही IMD के अनुसार अधिकतम तापमान 21 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। राजधानी में प्रदूषण का स्तर जो है फिलहाल खराब है। वही वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है कल यहाँ पर 312 दर्ज किया गया है सुबह 8 बजे। वही स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बहुत घना कोहरा छाया रह सकता है। साथ ही पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में शीतलहर की स्थिति की संभावना है। वही पूरे देश में फिलहाल यहाँ पर जो मौसम है वो शुष्क रहेगा। वही आंध्र प्रदेश और दक्षिण तमिलनाडु कुछ हिस्सों में बारिश जो है वो हो सकती है। ये बारिश को लेकर भी चेतावनी यहाँ पर दी गई है। बात हम करते हैं राज्य और मौसम विभाग के समाचारों की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य के मौसम अपडेट की। तो राजस्थान में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, शीतलहर का येलो अलर्ट जो है वो जारी किया है। दरअसल राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से तापमान जो है माइनस में चल रहा है। वही कुछ इलाकों में मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। दरअसल राजस्थान का मौसम साफ होते ही कड़ाके की सर्दी यहाँ पर शुरू हो गई है। जमाव बिंदु के पास पारा होने के कारण ठिठुरन जो है राजस्थान में बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग के अंदर जयपुर ने कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। वही शीतलहर का जो दौर है वो अगले 4-5 दिन तक यहाँ पर जारी रहेगा। कुछ स्थानों पर पाला वगैरह राजस्थान में तेजी से बढ़ने की संभावना है। वही माउंट आबू की वादियों में कल यहाँ पर इस सीजन का सबसे सर्द रात यहाँ पर रही। वे माउंट आबू के अंदर इस सीजन में सबसे पहली बार यहाँ पर न्यूनतम तापमान माइनस में 1.5 डिग्री के आसपास पहुंच गया। वही कड़ाके की सर्दी से जनजीवन प्रभावित रहा। वही सीकावटी में यहाँ पर सर्दी जो है वहाँ भी तेज रही। सीकावटी में हनुमानगढ़ सबसे ठंडा रहा है। हनुमानगढ़ में 1.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वही फतेहपुर में 1.2 और चूरू में 1.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वही जयपुर में दिन का तापमान जो है उसमें हल्की गिरावट आई है 8 डिग्री के आसपास। न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान 20.8 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। वही मौसम विभाग के अंदर जयपुर ने अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि 6 तारीख तक प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी है वो है, यानी घना कोहरा रहेगा, शीतलहर चलेगी। वही ऑरेंज अलर्ट के अनुसार 5 जनवरी तक सीकर, चूरू और यहाँ पर आसपास के इलाकों में कोल्ड वेव चलने की संभावना जो है वो जताई गई है। वही राजस्थान के बाद बात कर लेते हैं MP यानी मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर, तो आखिर MP में कैसा रहेगा मौसम। तो दादा आपको कि MP में मौसम का मिजाज पूर्ण रूप से यहाँ पर बदल गया है। वही कड़ाके की ठंड यहाँ पर शुरू हो चुकी है। अभी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी भी यहाँ पर दी गई है। दरअसल नए साल आते यहाँ पर MP के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश के अंदर कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। इसके साथ ही ईस्ट MP में बारिश की संभावना जताई जा रही है। वही मौसम विभाग का कहना है कि ईस्ट MP में बारिश हो सकती है, जिसके चलते तापमान में तेजी से गिरावट होगी। वही अगर पश्चिमी विक्षोभ की बात यहाँ पर करें, तो पश्चिमी विक्षोभ अगर स्ट्रांग होता है तो ओले भी गिर सकते हैं MP के अंदर। ऐसे में ज्यादा ठंड पड़ सकती है। हालांकि कल पूरे यहाँ पर प्रदेश में घना कोहरा यहाँ पर देखा गया। ऐसे में लोग अब काम यहाँ पर जो है काम से ही यहाँ पर घर से बाहर निकलना पसंद कर रहे हैं। वही अलाव का सारा लोगों को यहाँ पर लेना पड़ रहा है। वही MP के बाद अब बात कर लेते हैं UP यानी उत्तर प्रदेश के मौसम की, तो आखिर UP का मौसम कैसा रहेगा। तो बता दें आपको कि UP में भी लगातार
मौसमी बदलाव देखने को मिल रहा है। वही लखनऊ में स्कूलों का टाइम भी यहाँ पर बदल दिया गया है। वह मौसम की मार जो है तेजी से यहाँ पर यूपी में पड़ रही है। यूपी में ठंड जो है बढ़ गई है, गलन भी तेजी से यहाँ पर बढ़ रही है, यानी ठंड और गलन तेजी से बढ़ रही है। वही लखनऊ में शीतलहर का असर जो है बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 22 और न्यूनतम तापमान लखनऊ में 8 डिग्री के आसपास रह सकता है, यानी 8 डिग्री के आसपास तापमान रहने के आसार है। 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी आशंका जो है लखनऊ में जताई गई है। यूपी के सभी इलाकों में फिलहाल जो मौसम है वो तेज से यहाँ पर बदल रहा है। कई इलाकों में कड़ाके की सर्दी यहाँ पर पड़ रही है। मौसम विभाग ने इसको लेकर जो चेतावनी जो है वो भी यहाँ पर जारी की है। वही यूपी के 59 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ और कानपुर समेत 29 जिलों में कोल्ड की चेतावनी दी गई है। वही मौसम विभाग की ओर से 15 जिलों में शीतलहर के अलर्ट भी यूपी में जारी किया गया। ऐसे में जाड़ा और यहाँ पर बढ़ेगा और विभाग की माने तो 5 जिलों तक घना कोहरा पड़ने के साथ ही कुछ इलाकों में शीतलहर की स्थिति है जो भी यहाँ पर रहने के आसार यूपी के अंदर जताए गए हैं। वही यूपी के बाद आपको सीधे ले चलते हैं बिहार। तो आखिर बिहार का मौसम कैसा रहेगा, तो बिहार के मौसम को लेकर क्या अपडेट है, तो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देते हैं कि बिहार में राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। दरअसल तापमान में तेजी गिरावट बिहार में देखने को मिल रही है। बंगाल की खाड़ी से नमी भी यहाँ पर लेकर आ रही है। वह पछुआ हवा के कारण पटना समेत बिहार के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान नीचे रहने के कारण लोगों को जो है कनकनी का सहारा कनकनी है वो वहां पर बढ़ गई है। वही मौसम विभाग के मुताबिक मध्य भारत में बने पतित चक्रवात और दो तरफ से हवा के कारण जो बिहार में है वो मौसम बदलाव देखने को मिल रही है और ठंड यहाँ पर तेज हो रही, कोहरा भी यहाँ पर बढ़ रहा है। वही नमी युक्त बर्फीली हवा के कारण अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। गया, औरंगाबाद, सीवान और इसके अलावा पटना, नवादा, शेखपुरा और बांका, खगड़िया, सहरसा, समस्तीपुर और पूर्वी चंपारण और किशनगंज में तापमान जो है 10 डिग्री से नीचे यहां पर दर्ज किया गया है, यानी इन जिलों में 10 डिग्री से नीचे तापमान रहा है। वही पटना, पूर्णिया और इसके अलावा भागलपुर, गया समेत कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा। इसके कारण विजिबिलिटी जो है राजधानी के अंदर 50 मीटर दर्ज यहां पर की गई है, यानी 50 मीटर के आसपास विजिबिलिटी है जो दर्ज यहां पर की गई है। वही झारखंड में भी अभी लगातार मौसमी बदलाव देखने को मिल रहा है। तापमान में गिरावट जो है झारखंड में भी लगातार कई इलाकों में दर्ज की जा रही है। वह आने वाले 24 घंटों में ऐसी स्थिति रहने के आसार है।